थोड़ा सा कुछ टाइम और रुक जाओ, कुछ बच्चे बोर्ड या पार्ट नहीं था। आप लोग बताओ, तब तक आप लोग को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग को कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो वैशाली, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो, क्या चल रहा बढ़िया सर, आप कैसे हो? बस है? सभी को थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है? सर, थोड़ा सा वेट कर लेते। हेलो कनुप्रिया, गुड इवनिंग सर। हेलो ऋषभ, कैसे हो? अब डीसी सुनती है। किसी को कुछ भी पूछना है? अभी 2-3 मिनट में क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हेलो रिया बोल रहा हूँ। तनीषा कैसे हो? सेजल, सूरज आ रहा, समीर, समीर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गौरव मेरी आवाज आ रही है आपको? यस गौरव, सर, ठीक है। यस सर, आ आदित्य, रही है। आदित्य, आदित्य, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? सर ठीक है, थोड़ा सा रुको यार, कुछ टाइम मिलकर फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। 2-3 मिनट, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ आइडिया है आप लोगों को? पीपीटी डीबीटी कर दे। पढ़ा था तो उस पे आप लोग से क्वेश्चंस हो जाएंगे। पीपीटी पर आप लोग से सर, क्वेश्चंस हो, पीपीटी पर क्वेश्चन हो जाएंगे ना आप लोग से, यस ठीक है? सर, तो अभी अभी देखो, सर वीवीटी हमने ना बस बस हमने थोड़ा सा पढ़ा था। अभी वीवीटी हम लोग को बहुत ही ज्यादा पढ़ा, ठीक है? तो पहले हम वीवीटी पे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर से वीवीटी को पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बातें? वीवीटी यस सर, को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर से क्या करेंगे, वीवीटी पे क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया। 1-2 मिनट। हेलो प्रतीक्षा, गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग प्रतिष्ठा। हाउ आर यू सर? हेलो ऋतिक, मैं बढ़िया है, सभी को बढ़िया। हम लोग कैमरा ओपन करके क्लास पढ़े, क्या इंटरेक्शन लगता है, काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। सर रहने दो, धूप में फेस काला हो गया आज। अच्छा, धूप से काले हो गए हो? यस सर, तो देख सर, आप एक जगह कहीं बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो, ऐसे रास्ते में नहीं पढ़ाई होती हो, ठीक मिनट में पहुंच रहा है घर। है? मतलब अपने टाइम से आप लोग पहुंच जाए करो, हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए ताकि ना हम लोग प्रॉपर जो भी हम लोग कोशिश करें ना, आप लोग उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दे सको। हेलो अनुष्का, हेलो सर, अनुष्का आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सभी कोई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करें ना तो अच्छे से सॉल्व कर सके। क्लियर? मैं पेंसिल लिए। हाँ कुछ भी ले लो, सॉल्व होना चाहिए, ठीक है? हम बातें करते हैं, ठीक है? तो एक सर, बार बताओ, क्या क्या सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? क्या क्या सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, बताओ एक बार। फिर से देखो, यस हम फिर से पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इसके पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इसके पिछले क्लास में हमने वर्नर थ्योरी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्नर थ्योरी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने? वीबीटी पढ़ा था। वीबीटी थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज हम फिर से क्या करेंगे, वीबीटी को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। और जो आज हमारा मेन टॉपिक है ना, वो क्या होगा? वीबीटी होगा और सीएफटी होगा। वीबीटी हम लोग पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? सीएफटी। सीएफटी का मैं पूरा नाम बता देता हूँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे ही हम क्लास में स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर मेरी बातें?
तो बात करते हैं यार, देखो इस चैप्टर का वेटेज मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस चैप्टर का वेटेज काफी हाई होता है, कभी कभी 2 से 5 क्वेश्चन भी क्या करता है डायरेक्टली पूछ देता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कितने क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन यह चैप्टर पता है बच्चों 2 से 5 क्वेश्चन तक भी पूछ सकता है। तो आओ देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव यही है कि लेक्चर के बाद आप लोग क्या कर लोगे, आपके पास इतना पावर हो जाएगा कि आप वीवीटी के पीवाईक्यू कर लोगे और सीएफटी के भी पीवाईक्यू कर लोगे। डाउट है किसी को? नो सर। तो आओ हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था ना वो वीवीटी पर था और किस पे था, वर्नर थ्योरी पे था। तो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, अगर आप लोगों ने वर्नर थ्योरी पढ़ा होगा तो इसका आंसर क्या होगा, आपने वर्नर थ्योरी पढ़ा होगा तो। हेलो अभिषेक, जो भी क्लास छोड़ के जाएगा एक बार मुझे मैसेज कर देगा। हेलो अभिषेक, इसको सॉल्व करके बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, खुद मैं 1 मिनट का टाइम दे सकता। चैट बॉक्स में बताओ कितना आंसर आएगा। सुरेंद्र ने डी बताया, कशिश ने भी डी बताया, ठीक है। सिंपल सी बात बताया क्या, ध्यान से देखो, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर मैं पहला ऑप्शन लू ना तो आपको पता है वर्नर थ्योरी में यह 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता था, और जो NH3 होता था ना उसका तो फिक्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा, और 3 क्लोरीन इसमें क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, CO NH3 पे 6 और यहाँ पे 3+ हो जाएगा और प्लस 3Cl-। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये पहला ऑप्शन। अब देखो जब ये काउंटर आयन में क्लोरीन होगा ना तो जाहिर सी बात है क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा, लेकिन जब काउंटर आयन में क्लोरीन होगा ही नहीं तो ये क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा क्या, नहीं देगा। आते हैं डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास क्या है, CO, ध्यान से देखो क्या है, CO NH3 में थ्राइस और क्लोरीन थ्राइस। आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब ये बताओ क्या कोई काउंटर आयन बचा क्या, आप बताओ कुछ बचा क्या, अब इसमें 3 क्लोरीन हो गया, 3 NH3 हो गया, काउंटर आयन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। जब काउंटर आयन के लिए कुछ नहीं बचा तो टूटेगा तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा, और जब क्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा तो यह क्या देगा, क्लोराइड आयन टेस्ट नहीं देगा। और जब क्लोराइड आयन टेस्ट नहीं देगा तो हमारा वही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्लोराइड आयन टेस्ट नहीं देगा, तो हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। हेलो पूजिता, पूजिता मेरी आवाज आ रही है। जुलकार कुरैसी पूजिता, यस सर। आप मतलब इंटरेक्ट नहीं करते यार, बिल्कुल भी चुप रहते हो आप। अरे मैं इससे ये थम अप करके बताता हूँ ना, थम सब मत बता यार, ऐसे भाई माइक को बंद कर, थोड़ी बैकग्राउंड से आवाज आती है ना सर, अब बंद कर लो थोड़ी, ठीक है। तो ये इसका आंसर बताना जरा आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग। आंसर बताओ आप, अगर आपने वीवीटी थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है ना तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। सी इज करेक्ट, प्रतिष्ठा ने सी बताया, और भी कोई है जो बता सकता है इसका आंसर, और भी कोई है जो इसका आंसर बता सकता है? वैशाली सी, कशिश सी, सेचल सी, मैक्सिमम ने सी बताया। सिंपल सी बात है, और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो,
कुछ ऐसे है हमारे पास, क्रोमियम NH3 पे 6 और यहाँ पे क्या है Cl3। क्लियर है? आप जब इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, या फिर हम सीधा ना जो हमारे पास इसका ये हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है ना, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो आप बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इसको आप एक्स मान लो और इसको आप क्या मानोगे जीरो, और यहाँ पे एक क्लोरीन पे माइनस वन होता है। टोटल हमारे पास कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। तो आप बताओ जो मेटल पे चार्ज आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। आप ध्यान से देखो जो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है ना वो होता है 24। कितना होता है 24 होता है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो कितना बचेगा इस पे, +3 है ना, तो +3 का क्या मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें, 21 बचे ना, 21 बचे। आओ देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम 24 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। लेकिन पता है क्या, ये एक्सेप्शन केस होता है। एक्सेप्शन केस होता है, आप सबको पता है ना एक्सेप्शन केस होता है ये? यस सर, एक्सेप्शन केस होता है। एस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, पी वाले में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। आप बताओ हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रॉन तो एस वाले से निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पी वाले से निकाल देंगे। तो यहाँ तक हमारे पास जो 4p तक होता है ना, 4p तक वह 18 इलेक्ट्रॉन होता है, और 18 इलेक्ट्रॉन को हम आर्गन बोल सकते हैं। उसके बाद आएगा 4s, 4s में तो हमारे पास 0 बचा, और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सर? यस सर, क्लियर है। अब देखो आओ हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे है, हमारे पास 3d है, 5 हो गया। हम जैसे बताए थे वैसे आपको बता रहा है, अभी फिर से हमको पढ़ा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग क्या किया जाएगा, फिर से पढ़ा जाएगा, फिर से हम लोग पढ़ा जाएगा। ध्यान से देखो, यह हमारे पास है 3d, यह 4s हो गया, यह 4p हो गया, और यह 4d हो गया। अब सिंपल सी बात है, आप बताओ d वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, हमारे पास बोल रहा है कि इसके पास टोटल कितने लिगेंड है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका मतलब 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ध्यान से देखो, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ध्यान से देखो, हम 6 वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ से लेंगे, एक यह हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है क्या, 6 है। तो आप बताओ कि 3d का कौन सा, d का 2 ऑर्बिटल यूज हुआ है, s का कितना यूज हुआ है, 1, और p का कितना ऑर्बिटल यूज हुआ है, 3 ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो आप बताओ हम इसको बोल सकते हैं क्या कि sp3 d2 sp3 इसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। और इसका शेप क्या होगा, शेप मैंने आपसे बोला था अगर d2 sp3 हो या फिर sp3 d2 हो, इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्लियर है? अब मैंने यह बोला था कि अगर मान लो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। आप बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक बोल सकते हैं। क्लियर है? अब ये बताओ काउंटर आयन में क्या है, क्या काउंटर आयन में 3 क्लोरीन है क्या, 3 क्लोरीन है। और जाहिर सी बात है जब यह AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, 3AgCl बना देगा, बना देगा, क्योंकि काउंटर आयन में 3 क्लोरीन है। और AgCl जो होता है ना वो प्रेसिपिटेट होता है, PPT होता है, वो भी किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। कुछ डाउट हो तो बताओ सर, NH3 कोई प्रॉब्लम है क्या, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्या? नहीं देखो, इसमें NH3 का कहीं बात ही नहीं की, ठीक है, NH3 का कहीं बात ही नहीं कर, लिगेंड यार तो केवल अमोनिया दिखा रहा ना यहाँ पे, एमीन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वही तो लिगेंड होगा ना, या फिर सब थोड़ी होंगे लिगेंड। तो ये बताओ कि यह कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलके, क्या यह सही है, क्या सही है, क्या यह पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, बताना चाहता हूं, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, क्या है, पैरामैग्नेटिक है।
और इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास यहाँ पे डी टू एस थ्री है, क्लियर है। बस यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल दिया, जिसकी वजह से हमारे ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। सही, तो सेम क्वेश्चन। क्या सॉल्व हो गया ये? आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालना जानते हो, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, क्या होता है बताना जरा। Nn प्लस टू चाहिए। बिल्कुल, n n प्लस ये वाला करके बताओ। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एक बार सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। प्रतिष्ठा, सुरिंदर, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आप बताओ हमारे पास यह मैग्नीज है, अगर ऑप्शन में एक ही बात करूं मैग्नीज है तो प्लस टू है, और मैग्नीज पे कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 25 होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन, आर्गन 18 हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब टोटल इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s 0 हो जाएगा, 3d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूँ ना तो ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, हमारे पास आर्गन 18 और आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होता है, और 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4s 0, 3d क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं सी वाले की बात करूँ ना, सी का टाइटेनियम का कितना होता है जरा बताना आप लोग, टाइटेनियम का क्या होता है, इसके स्कैंडियम वेनेडियम टाइटेनियम 23 होता है ना, 4s 0 3d 3 हो जाएगा, और क्रोमियम का कितना हो जाएगा बताना जरा, 24 यानी कि 3d 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3d 4 हो जाएगा। आप बताओ डी वाले में जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, आप बताओ पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, डी वाले में 5 इलेक्ट्रॉन, और पांचों के पांचों अनपेयर हैं, इससे ज्यादा कोई अनपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता ना, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा, ए का, ए का ज्यादा होगा, क्लियर है। यस सर, एक और क्वेश्चन बता दूंगा। एक और क्वेश्चन बता दो। मैं सॉल्व करूं, मैं करता हूं, ठीक है मैं करता हूं। सिंपल सी बात है, हमारे पास ये सब चीज दिया हुआ है, आप बताओ कि आयरन पे कितना चार्ज आएगा जरा बताना, पहले वाले केस में आयरन पे कितना चार्ज आएगा, या चलो इसको लास्ट में लेके चलते हैं, अभी हमारे पास ना बहुत टाइम है, बहुत टाइम इन द सेंस कि अभी हम फिर से वीपीटी पढ़ेंगे और उसमें और भी सारे क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन भी, इसमें अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है आगे देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, ध्यान से देखो, आओ सबसे पहले इसका थ्योरी देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो सिंपल सी बात पता है क्या,
इसमें एक होता है मेटल, क्या होता है एक मेटल होता है, और इसमें मेटल के पास होता है एक लिगेंड होता है, क्या होता है लिगेंड होता है। तो जो लिगेंड होता है ना वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देता है, मेटल को देता है। लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना उसको हम लोग बोलते हैं डोनर, क्या बोलते हैं डोनर, डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, क्या बोलते हैं एक्सेप्टर। आप बताओ इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है और इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, सीएन जो हमारे पास साइनाइड है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और मैग्नीज क्या है इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब देखो साइनाइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और मैग्नीज ले रहा है, तो यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है ना कि जहां पे यह साइनाइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तो इसमें क्या खासियत होनी चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारे पास इसकी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि यह इलेक्ट्रॉन दे सके। और रही बात यहाँ पे मैग्नीज की, तो मैग्नीज के पास भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन ले सके। तो इस जो मेटल है ना इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ले सके, तो मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। आप बताओ कोई भी एटम होता है या फिर मेटल होता है तो वह इलेक्ट्रॉन अपने किस में रखता है, सभी के सभी तो ऑर्बिटल्स में ही रखते हैं ना, ऑर्बिटल्स में रखते हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी क्या होगा काम चलेगा, ठीक है। अब देखो जब भी लिगेंड जुड़ने जाता है ना तो जो मेटल्स के ऑर्बिटल होते हैं ना जुड़ने से पहले बॉन्ड बनाने से पहले क्या कर लेते हैं, आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, क्लियर है क्या। जैसे हाइब्रिडाइजेशन करके sp3 बना लेते हैं या फिर sp2 बना लेते हैं, ठीक है आगे बढ़। तो ये रहा हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, मान लो अगर n-1d में जाता है, मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4s तक पहुंच गया, तो n-1d का क्या मतलब है इसका, आप बताओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, 4-1 यानी कि d, यानी कितना हो गया 3d हो गया। जाता है अगर इलेक्ट्रॉन में जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर अगर 4d में जाता है तो 4d में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सब इसमें लिखा हुआ। एक चीज और देखो, बातें कौन कर रहे, ये हो जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से देखो, ध्यान से हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक। आप बताओ कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लियर है मेरी बात। यस सर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो पैरामैग्नेटिक, नहीं तो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक आओ बात करते हैं, आओ आओ इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। और एप्लीकेशंस हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर किस में अप्लाई करेंगे, हम 6 में अप्लाई करेंगे, क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। ध्यान से देखो, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो हमारे पास कुछ ऐसे है, देखो यहाँ पे CO NH3 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं इसमें, इसमें हम मेटल को ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। तो आप बताओ इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे, हम 6 है। और आप बताओ इस एमीन का चार्ज कितना होता है, 0 होता है ना, 0 होता है, ओवरऑल चार्ज +3। तो आप बताओ मेटल पे कितना चार्ज आएगा, क्या +3 आएगा, क्या +3 आएगा। अब ये बताओ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एनीवन 27। देखो सिंपल सी बात है, क्या 27 क्या आपको याद, क्या करना, फेकोनी, आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप बताओ, फेकोनी। आयरन का होता है 26, तो कोबाल्ट का हो जाएगा 27 और निकिल का 28, क्लियर है। तो इसका आएगा 27। आप बताओ चार 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना बचा इस पे, 24 बचा, 24 बचा।
तो 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, आर्गन तक कितना होता है 18 होता है, उसके बाद आएगा 4s0 और उसके बाद क्या आएगा 3d, बताना जरा इनको, 6 कुछ ऐसे ही आएगा ना। अरे ये बताओ भाई 18 और 18 6 24 यही होगा ना 3d। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब मैं बनाता हूँ कुछ 1 2 3 4 5 यहाँ पे कुछ ऐसे है, यहाँ पे कुछ ऐसे है, 4 5। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, यह हमारा 3D हुआ, यह हमारा 4S हुआ, यह हमारा 4D हुआ और यह क्या होगा 4D होगा। अब सिंपल सी बात बताओ, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यस सर लिख दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब ध्यान से देखो कि जो हमारे पास NH3 होता है ना, यह क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड फील्ड लिगेंड होता है, और जब यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन तो क्या कराएगा पेयरिंग कराएगा, यानी कि जोड़ा बनाएगा, तो यह इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको भेज देता है इसमें भेज देता है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसको इस वाले में भेज देता है, तो 3D हमारा कुछ ऐसे दिखने लगता है। ध्यान से देखो 3D कैसे दिखने लगता है, आप बताओ क्या सबका जोड़ा बन गया क्या? यस सर क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि आप बताओ, अब हमें हमारे पास टोटल कितने लिगेंड बचे हैं, कितने लिगेंड है टोटल हमारे पास, 6 लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इसका मतलब क्या मेटल का 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, का वैलेंट ऑर्बिटल कितना चाहिए 6 चाहिए, यह हमारे पास 3D है, यह 4s है, यह 4p है और यह 4d है, और हमें 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और 6। आप बताओ ये डी का कितना यूज हुआ है, 2, एस का 1 और पी का 3, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा जरा बताना, d2sp3। क्लियर है मेरी बात, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा d2sp3। आप बताओ क्या कोई इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई नहीं है ना, जब कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे डायमैग्नेटिक। क्लियर है, पहली बात सुनो, जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा मैग्नेटिक मोमेंट बताना जरा क्या होगा, अंडर रूट एन एन प्लस टू। आप बताओ एन की वैल्यू क्या होगी, क्या 0 होगी क्या, Yes. अरे कोई जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 आप 0 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 आएगा ना, यस यस सर। अब हम लिख लेते हैं, जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतना क्या होगा, हाई स्पिन होगा, क्या होगा हाई स्पिन होगा। आप बताओ ये लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है, लो स्पिन है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है कम है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है है। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जितना मैंने एक बार ये सब चीज नोट करो एवरीथिंग, आप लोगों ने नोट किया है क्या, नोट करो फिर मैं नीचे करता हूँ स्लाइड, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग करो जरा। यस सर।
कर लिया, क्या नोट कर लिया आपने? यस सर। एक बार नीचे वाला भी नोट कर लो, नीचे वाला भी नोट कर लो। कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चंस दूं मैं? चलो क्वेश्चंस लिखो, एक क्वेश्चंस लिखो। जितना भी आपने कुछ लिखा ना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। यहाँ पे क्या है? CO F6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस है। कितना है? 3 माइनस है। अब आपके लिए इसको क्या लिखना है? मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, और क्या लिखोगे आप लोग? आप मैग्नेटिक बिहेवियर लिख लो, डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर, और यह लिख लो लो स्पिन, लो स्पिन या फिर हाई स्पिन। यही क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। यह भी आप लोग लिख लो। और एक चीज मान लो, जो हमारे पास फ्लोरीन होता है ना, यह वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो इतना सब आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर, आप लोग करके बताओ। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करके बताओ। सॉल्व करके बताओ आप लोग इसको। सॉल्व करके बताओ आप लोग। किसी का सॉल्व हुआ? प्रतीक्षा, नवीन, दिया छावरा, तनीसा, वैशाली, सुरिंदर, राहुल मिश्रा, पूजिता, कनुप्रिया, अनुष्का थपलियाल, कुछ नहीं बताओगे आप लोग? ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है? हाईली पैरामैग्नेटिक, सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है? कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। तो आप लोग यह बताओ, इसको मैं मान लेता हूँ x, और इसको यह टोटल 6 है, और माइनस 1 हो जाएगा ओवरऑल चार्ज, -3। एक्स पे कितना चार्ज आएगा? क्या +3 आएगा? क्या आएगा? अब कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब +3 है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 24। इसका मतलब क्या है हमारे पास? ध्यान से देखो, आर्गन तक तो 18 हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? 4s0 और 3d6। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट? अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। आओ देखते हैं, मैं 5 बना दिया, 3D बना दिया। ये देखो यहाँ पे 3D है, 4S है, और यहाँ पे क्या है? 4P है। और यहाँ पे क्या है? 4D है। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इस 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं 6 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 भर दिया मैंने, 6 भर दिया। अब जो फ्लोरीन होता है ना, वो वीक फील्ड लिगेंड है। जब वीक फील्ड लिगेंड है तो आप बताओ क्या ये पेयरिंग करा पाएगा? नो सर, नहीं करा पाएगा ना, बिल्कुल नहीं पर करा पाएगा। और इसके पास टोटल 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड का मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप बताओ इसको 6 खाली जगह भी चाहिए? जब एक पेयरिंग भी नहीं करा पाएगा, खाली जगह भी चाहिए। तो ध्यान से देखो, एक यह हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या 6 हो गया क्या? अब ये बताओ एस का कितना ऑर्बिटल यूज हो रहा है? 1। पी का कितना ऑर्बिटल यूज हो रहा है? 3। और डी का कितना ऑर्बिटल यूज हो रहा है? 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 d2।
क्लियर है। अब मैग्नेटिक मोमेंट बताओ आपको कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितना आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, जितना देखो आपने आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट एन एन प्लस टू। तो आप बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, गिन के बताओ, चार है ना, चार है। तो चार चार प्लस दो कितना हो जाएगा, क्या रूट 24 हो जाएगा क्या, 4.9 के आसपास आ जाएगा क्या, 25, अगर 25 होता तो पांच आ जाता, 24 है तो कितना आएगा, लगभग 4.89 के आसपास आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब ये बताओ कि ये लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है, हाई स्पिन, हाई स्पिन बोला। अगर 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 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो क्या होगा, हाई स्पिन होगा। डन डन सर, देखो जरा आपको देख लो, पहली बात है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि ये बाहर वाला डी यूज हुआ, 4D का यूज हुआ इसलिए क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर 3D वाला यूज होता तो क्या होता, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता, ठीक है। पैरामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन इसलिए ताकि ज्यादा अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, आप लोग ये बताओ, ये वाला देखिए, ये वाला आप लोग देखिए बताओ, इसमें कुछ डाउट होता, इसमें कुछ भी डाउट होता एक बार बताओ। ये तो मैंने किया है इसको, अब देखो अब किसकी बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग 6 के लिए और भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, CN6, उसके हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है D2SP3 और दूसरा क्या होता है SP3D2। इसका जो ज्योमेट्री होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, और इसके भी ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है क्या मेरी बातें, क्लियर है। अब लेकिन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पता है आपको दो हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे, एक होता है sp3 मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा क्या मिलेगा, dsp2 मिलेगा, क्या मिलेगा, dsp2। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। और जो dsp2 होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर बोल, क्या बोलते हैं, स्क्वायर लेगर बोलते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल और dsp2 को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, नो सर, कुछ भी डाउट, कोई डाउट नहीं। तो हमने तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का पढ़ लिया, अब हम किसका पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। अब बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से NiCl4 और यहाँ पे माइनस, तो आप बताओ निकिल पे कितना चार्ज आएगा, इसको मैं एक्स मान लू और प्लस फोर और एक क्लोरीन पे माइनस वन, ओवरऑल चार्ज माइनस टू, तो एक्स पे कितना प्लस चार्ज आएगा, प्लस टू आएगा, इसका मतलब निकिल पे प्लस टू, और निकिल का होता है 28। आप बताओ 28 होता है तो कार्बन तो यह हो गया और यहाँ पे 4s2 हो गया और 3d क्या हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, जरा बताओ ना, 4s0 हो जाएगा और ये 3d क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या, यस सर, क्लियर है क्या सबको, यस सर, यस। तो 3d8 है, आओ बनाते हैं, ध्यान से देखो, हम 3d8 को बनाते हैं, एक दो तीन चार पांच कुछ ऐसे हो गए,
ये 3D हो गया, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया। अब ये बताओ 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते रहते, 6 7 8। और जो हेलोजन क्लोरीन होता है वो वीक फील्ड एलिगेंट होता है, क्या होता है, वीक फील्ड एलिगेंट होता है। क्लोरीन क्या होता है, वीक फील्ड एलिगेंट होता है। तो आप बताओ जब वीक फील्ड एलिगेंट है तो क्या पेयरिंग करा पाएगा? नो सर, पेयरिंग नहीं करा पाएगा। और इसको आप बताओ कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, 4 कोऑर्डिनेट बांटे तो 4 कोऑर्डिनेट खाली जगह चाहिए, तो 1 2 3 और 4। तो आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 s s का एक ऑर्बिटल यूज हुआ, p का 3 ऑर्बिटल यूज हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। यस सर। अब ये बताओ डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक? तो यही सब कुछ चीजें, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा याद रखना आता है, देखो कुछ यही सब पढ़ लेना। एक इसका देखिए बताओ जरा, इसका देखिए बताओ जरा, इसमें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए बताओ कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? देखिए सबको क्लियर है? सॉल्व करता हूँ मैं, एक बार सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है, मैं इस वाले जगह पे लेता हूँ, खाली जगह पे जिंक NH3 पे 4, और यहाँ पे क्या है हमारे पास +2 है। इसका मतलब जिंक पे जो चार्ज है कितना आएगा, +2 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, आर्गन तक हमारा 18 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा और 3d 10 हो जाएगा। आप बताओ जब 3d 10 हो जाएगा तो ध्यान से देखो, डी वाले में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, डी वाले में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताना, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैं 2 यहाँ पे भर देता हूँ, 2 2 2 2, क्या 10 हो गए। अब ये बताओ कि हमारे पास अब जो लिगेंड है, लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, लिगेंड क्या हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो और चाहे क्या हो, वीक फील्ड हो, क्या पेयरिंग करा पाएगा क्या? जब सबका सब भरा है तो किसमें पेयरिंग कराएगा, कहीं और तो कराएगा नहीं, सबका सब ऑलरेडी फिल है और केवल इसको 4 खाली जगह चाहिए। केवल कितनी जगह खाली जगह चाहिए, 4 खाली जगह चाहिए और ऑलरेडी डी वाला भरा है, तो 1 2 3 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, सबके सब पेयर्ड है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर? क्लियर सर। इसका जरा बताओ ना, इसका भी ऐसे ही होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल है और डायमैग्नेटिक है। क्लियर है? क्लियर है, पढ़ लेना। इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के बताओ कैसे होगा। इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के बताओ, मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने का, आपको सोचो।
किसी को समझ आया क्या? यस सर। किसी को समझ आया? देखो मैं एक बात बताता हूँ, yes, देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसा है Cu NH3 पे 4, और हमारे पास क्या है 2+। मैं इसको दूसरे पेज पे बताऊँ, Cu NH3 पे 4 और यहाँ पे 2+। आप बताओ इसका मतलब क्या है, कॉपर पे कितने चार्ज है, कॉपर पे +2 चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास यह है, आर्गन तत्व तो हमारे पास 18 होता है, उसके बाद आता है 4s1, उसके बाद क्या आता है 3d10। तो अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो क्या होगा हमारे पास, 18 4s0 और 3d9, 3d9 आएगा ना। आओ बनाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सिंपल सी बात पता है क्या देखा जाता है, अब यहाँ पे जो NH3 है ना, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, अब यहाँ पे एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या पेयरिंग करा पाएगा क्या, बताना जरा। नो सर। क्यों नहीं करा पाएगा? क्योंकि यार पेयरिंग कराने के लिए उसके पास जगह भी तो होना चाहिए ना, 3D में ऑलरेडी सबके सब भरे हुए हैं, यही एक अकेला बचा हुआ है। तो यार एक्साइट होकर पता कहाँ चला जाता है, जो पी वाला ऑर्बिटल है ना उसके सबसे लास्ट में चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, पी वाले ऑर्बिटल के सबसे लास्ट में। तो आप बताओ जब पी वाले के ऑर्बिटल में सबसे लास्ट में चला जाएगा तो ये खाली हो जाएगा क्या, बताना जरा। तो हमारे पास डी का एक खाली हो गया, एस का एक खाली है, ये और स्टार्टिंग पी वाला दोनों क्या है, खाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी एसपी टू। और जब डी एसपी टू होगा तो क्या होगा जरा बताना, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर sp3 होता तो क्या होता, sp3 होता तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। लेकिन dsp2 है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये बातें क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट, कोई किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। ये आप लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लेना इसको, आपको क्या कर लेना इसको, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लेना, थोड़ा सा वैल्यू देना। अब सिंपल सी बात देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल आपके सामने 2 ये है, ठीक है। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ और हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या हुआ, sp2, तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और एग्जांपल ये रहा आपके सामने। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 2 ज्योमेट्री आती है, कौन कौन सी आती है जरा बताना, sp3 और dsp2। तो जब जो हमारे पास sp3 होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल का शेप है, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। और जो dsp2 होगा वो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर। ये सबके सब क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। याद रखना जो हमारे पास यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो यूज होता है ना, वो कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होता है, x²(y²-y)। आपको पता है ना ये क्या बोलते हैं, कितने टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं, कितने टाइप होते हैं, पांच। कितने टाइप होते हैं, 5। और वो 5 ही क्या होते हैं, अलग अलग उनका नेम होता है। तनिषा मेरी आवाज आ रही है वैशाली? यस सर, यस सर। समझ आ रहा है आप सबको, रेशमा राहुल मिश्रो, ठीक है? यस सर। कुछ भी दिक्कत आई पूछ ले। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो dsp3 और क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। अरे 5 चाहिए ना, 1 या 3 या 4 और 1 या 5, क्लियर है क्या? यस ठीक है। इसका भी एग्जांपल देख लो, इसका भी एग्जांपल दिया हुआ है। अगर मानो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमारे पास क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो उसके उसके 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, या फिर d2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा।
या फिर डी टू एस पी थ्री होगा या फिर क्या होगा एस पी थ्री डी टू होगा। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, कर लेना ये ठीक है, कर लेना पढ़ लेना। यस सर। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि काफी अच्छे से समझ आएगा। बताओ जरा इसका आंसर, बताओ आपका आंसर, बताओ आपका इसका। आंसर बताओ इसका। आप आंसर बताओ उसका, सिंपल सी बात है। बिल्कुल आप ये बताओ स्क्रीन शो नहीं, अनीता क्या मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या किसी को? सर हो रही है। अनीता एक बार आप रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो आप एक बार, अनीता आप एक बार रीज्वाइन करो। ठीक है तो सिंपल सी बात है, अगर छह कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो जाहिर सी बात है वो ऑक्टाहेड्रल होगा, आपको कुछ दूसरा देखना ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर छह दिख रहा है, क्या कर लोगे आप? ऑक्टाहेड्रल पे टिक कर लोगे। ऑक्टाहेड्रल ये बताओ, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ जरा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एनीवन कोई भी बता दो यार, तनीषा ने ये बताया, और भी कोई है? वैशाली आप क्या कर रहे हो, पूजिता, राहुल मिश्रा, कुलदीप, इसिका, इसिका बर्तवाल, हर्षित, गौरव, दिया, सुरिंदर, कर रहे हैं सोल। गूगल करो, मैं 1 मिनट और टाइम देता हूँ सॉल्व करो आप। सॉल्व करो आप लोग, क्या है चलो ठीक है आगे बढ़ो। देखो हमारे पास कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, निकिल सीएन फोर टू माइनस है, ठीक है कुछ ऐसे दिया हुआ, ठीक है कुछ ऐसे दिया हुआ। अब ये बताओ कि अगर हम इसको लिखते तो क्या कुछ ऐसे, आप बताओ निकिल पे कितना चार्ज आएगा, क्या प्लस टू आएगा, क्या प्लस टू आएगा? और जब प्लस टू आएगा निकिल का होता है 28, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर्गन, आर्गन 18 और प्लस टू है तो 4s0 और 3d क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप बताओ क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या इसके साथ, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5, हमने 5 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए और 3 और भर देते हैं, 1 2 3। आप बताओ जो साइनाइड होता है क्या वीक फील्ड होता है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, बताना जरा। कई बार ही मैंने आपको बताया है स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा क्या, पेयरिंग, सर। पेयरिंग कराएगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, पेयरिंग कराएगा। और ध्यान से देखो बच्चों, जब ये पेयरिंग कराता है ना कुछ इस टाइप का होता है, जब पेयरिंग करा लेगा तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, दो इसमें दो इसमें दो इसमें दो इसमें। अब बताओ हमारे पास टोटल 4 लिगेंड है,
तो एक डी का ये यूज कर लिया, एस का यूज कर लिया, और पी का कितना यूज करेगा? दो यूज करेगा। पी का कितना यूज करेगा बताना जरा? दो यूज करेगा। तो आप बताओ जब दो यूज करेगा तो ध्यान से देखो, आप यह बताओ स्क्वायर प्लेनर होगा कि टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा बताना? स्क्वायर प्लेनर। पहली बात तो यह स्क्वायर प्लेनर होगा, क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। ऊपर से सबके सब क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डायमैग्नेटिक। क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो स्क्वायर प्लेनर के साथ साथ क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला। लेकिन सबके सब ना ये तीनों सेम है, तो इसलिए थर्ड वाले को आपने सही बोल दिया, लेकिन फोर्थ केस में ऑप्शन तो चेंज हो गया ना। और मैंने आपको ये बताया भी था, ये क्वेश्चन अभी मैंने पिछले टॉपिक में कराया है। कॉपर वाला भैया एक पता है क्या, पी वाले में चला जाता है, तो फिर भी इसका क्या हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर होगा लेकिन पैरामैग्नेटिक। मैं बना दूं क्या इसका, पी वाले का भी एक बार बताओ आप, बना दूं ना? कर लेना आप पीछे से देखिए, कर दो ठीक है। जरा इसका आंसर बताना आपको, इसका आंसर बताओ आपको। आंसर बताओ आपको इसका। आंसर आपको इसका बताओ। सॉल्व हो रहा है क्या आपको? इसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं सॉल्व करूं क्या? 2 मिनट दे दो। वैशाली ने बी बोला, चलो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, आप लोग से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है? ध्यान से देखो, सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है, ध्यान से देखो, Mn Cn 6 और यहाँ पे 4 माइनस है, और दूसरे में हमारे पास क्या है? ध्यान से बताओ, Fe Cn 6 और हमारे पास क्या है? 3 माइनस है। आप बताओ यहाँ पे मैगनीज पे कितना चार्ज आएगा बताना जरा, क्या प्लस 2 आएगा क्या? और आयरन पे कितना आएगा? प्लस 3। क्लियर है? अब ये बताओ प्लस 2 आएगा तो हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ ऐसा होगा, आर्गन 18 होता है, 4s0 और 3d5, और इसमें आपका हो जाएगा 26 इलेक्ट्रॉन, 26 से कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, ध्यान से देखो कैसे आएगा हमारे पास, आर्गन 18, 4s0 और 3d5। आप बताओ क्या दोनों में इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? अब जरा सॉल्व करके बताओ, ज्यादातर लोगों ने भी बताया। सिंपल सी बात है यार, अगर हमारे पास 3D क्या है? 5 है, और दोनों में 5 है, दोनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लगेगा, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट जाएगा, ध्यान से देखो।
दोनों में क्या होगा, एक ही कॉन्सेप्ट जाएगा। पांच हमने कर लिए और यहाँ पे एक है और यहाँ पे मैंने तीन कर दिया। ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके सही से कर दूं। ये देखो, यह हमारे पास है 3D है, 4S है, 4P है और हमारे पास क्या है 4D है। ध्यान से देखोगे क्या, ध्यान से हमें चीज देखना है। ध्यान से देखो, यह हमारे पास 3D हो गया, तो 3D में हमारे पास पांच इलेक्ट्रॉन है, तो पांच इलेक्ट्रॉन तो मैंने भर दिए। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है। अब ये बताओ 4S में कितना है? कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, और ये सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग कराएंगे, इसका इसमें चला जाएगा और इसका इसमें चला जाएगा। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? ध्यान से देखो, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? एक दो, एक दो, एक और इसमें कुछ नहीं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 4S और यहाँ पे क्या आ गया 4P और यह हमारे पास 4D है। जो भी है हमारे पास क्या है 4D है। अब ये बताओ हमें 6 लिगेंड चाहिए, 6 लिगेंड तो दो इसमें, एक इसमें और तीन इसमें, तो क्या हो जाएगा? क्या कुछ हमारे पास ऐसे हो जाएगा क्या? D2SP3 हो जाएगा क्या? बताना जरा। यस सर। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, अनपेयर है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। तो पैरा मैग्नेटिक और D2SP3 कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। यस सर। इसका जरा आंसर बताना आपको, इसका जरा आप आंसर बताओ। बताओ जरा आप लोग ऐसे बताओ। सॉल्व हुआ किसी से? ऑप्शन डी। मैं बता रहा हूँ, अगर पहले ऑप्शन को मैं देखूं ध्यान से, तो क्या लिखा है पहला ऑप्शन? CoEn का क्या मतलब होता है बताना जरा। इथिलीन डाइमर। इथिलीन डाइमर, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो हमारे पास क्या है, CoCN3 जलाओ लाइट। थर्ड देख लो, CoEn2NH3 पे ट्वाइस, और यहाँ पे क्या है Cl2। और डी वाला देख लो, फोर्थ वाला हमारे पास क्या है, CoNH3 पे 6 और क्या है हमारे पास Cl2। क्लियर है? क्लियर है। आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो En जो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है और NH3 यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, टोटल ये 4 है, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका हो गया। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है। अगर सब पे चार्ज देखो ना, तो सब पे कितना चार्ज आएगा? ध्यान से देखो, ये भी 2 2 2 2 आएगा। क्लियर है क्या? अब पता है क्या, जब सब एवरीथिंग सेम है तो स्टेबल कौन है? तो एक बात आप सुन लो, अगर जितना ज्यादा किलेटिंग रिंग बनेगा, किलेटिंग रिंग क्या होगा, किलेटिंग रिंग अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी। आप बताओ, इथिलीन डाइएमीन है, क्या वो किलेटिंग रिंग बनाता है क्या? यस सर। के साथ रिंग बनाता है ना, तो एक ईएन एक रिंग बनाता है, दो ईएन दो रिंग बनाएगा, तीन ईएन कितना बनाएगा, तीन रिंग बनाएगा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा रिंग किसमें? बी ऑप्शन वाले में। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी।
पी वाले में तो कोई रिंग ही नहीं है। नहीं क्लियर को क्लियर हो गया ना, ऑप्शन बी वाला सही। ठीक है अब देखो, अब बात करते हैं बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसकी बात करते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात मैं आपको यह बताता हूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आने का रीजन क्या है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होता है ना, अब ये बताओ हमने केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, इसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीबीटी पढ़ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो आप बताओ अगर एक थ्योरी फेल हो जाता है तभी तो दूसरा थ्योरी आता है ना, या फिर वैसे ही आ जाता है, कुछ ना कुछ उसके रीजन होंगे तभी तो दूसरा थ्योरी आया। तो ध्यान से देखो, जो इसके पहले हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, चुप हो जाओ, ठीक है जाओ। तो देखो, तो जो हमारे पास वीवीटी था ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी कुछ ना कुछ कुछ कमियां थी। इसी कमियों को देख के हम एक नया थ्योरी लेकर आए, और उस नए थ्योरी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि सीएफटी बोलते हैं। तो वीवीटी की कुछ कमियां क्या थी, वीवीटी की कुछ कमियां यह थी कि जो हमारे पास कंपाउंड था, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, क्या था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलो, तो उसके कलर के बारे में, कलर के बारे में नहीं बता पाया। किसके बारे में नहीं बता पाया, कलर के बारे में नहीं बता, कलर के बारे में। क्लियर है, क्लियर है। अब एक और चीज देखो, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ना स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बताया। किसके बारे में नहीं बता पाया, स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बता पाया। एक बात और देखो, यह जो मैंने वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वह भी वीवीटी नहीं बताया था। कौन बताया था, सीएफटी बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताया था, लेकिन मैंने वीवीटी में इसका नाम लेके यूज करा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। हमारा मेन चीज क्या है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की थ्योरी कहाँ से आई थी, वीवीटी या फिर सीएफटी? सीएफटी, सीएफटी। क्लियर है मेरी बात है सबको? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? यस सर। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। तो सीएफटी से आया था, ठीक है, सीएफटी से आया था। तो इसकी यही कुछ कमियां थी जिसको देख के क्या आया, एक नया थ्योरी आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आप बताओ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वो सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो जो वीवीटी की गलतियां थी? यस यस, क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो आओ बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो जो हमने वीवीटी पढ़ा था ना, वीवीटी, उसमें पता है क्या, जो हमारे पास मेटल होता है और हमारे पास लिगेंड होता है, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है ना, हम उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड जैसे भी बोल सकते हैं। लेकिन जो सीएफटी में बॉन्ड बनता है ना, सीएफटी में, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड जैसे मानते हैं। कैसे मानते हैं, आयनिक बॉन्ड जैसे। हम लोग यह मान के चलते हैं कि जो मेटल होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो लिगेंड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लोग जो लिगेंड होता है इसको हम लोग पॉइंट चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉइंट, पॉइंट चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं, हम लोग लिगेंड को पॉइंट चार्ज मानते हैं। क्लियर है मेरी बात है? और हम लोग यह भी मान के चलते हैं ना कि पहले मेटल हुआ करता था, और लिगेंड काफी दूर से मेटल से क्या आएगा, बॉन्ड बनाने आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट से आ रहा है। किससे, कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से मेटल के पास आ रहा है, ताकि हम क्या कर सके, बॉन्ड बना सके। क्लियर है मेरी बात है? बोलो, देखो क्या बोल रहा है, लिगेंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। लिगेंड को हम लोग क्या मानते हैं, पॉइंट चार्ज मानते हैं, और यह प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है, एक जगह प्लस और एक जगह कहीं प्लस और कहीं माइनस आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। जहां भी प्लस माइनस आ गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात है, क्लियर है। अब देखो, देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड ऑर्बिटल के बीच कोई इंट्रैक्शन क्या होता है, नहीं होता है। मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड ऑर्बिटल के बीच कोई इंट्रैक्शन होता है क्या, सीएफटी में बताना जरा। बस सर,
नहीं होता है। किसमें होता है? बीबीटी में होता है, सीएफटी में नहीं होता है। आओ हम इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। द डी ऑर्बिटल ऑन द मेटल ऑल हैव सेम एनर्जी। जो मेटल का डी ऑर्बिटल होता है सबका एनर्जी क्या होता है? बराबर होता है। देखो जिसकी एनर्जी बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डी जनरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी जनरेट बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। आओ बात करते हैं डी जनरेट के बारे में। सिंपल सी बात, देखो डी जनरेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम डी ऑर्बिटल देखो। हमारे पास डी ऑर्बिटल, कितना डी ऑर्बिटल होता है बताना जरा। टोटल कितना डी ऑर्बिटल होता है? पांच। पांच के नाम बता दो आपको। dxy, dyz, dxx, dx2, y2 और dz2। आओ सबके पहले सबका हम फोटो देख लेते हैं। तो मान लो कि यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मुझे x और y का फोटो बनाना है ना, तो जो आप बताओ d ऑर्बिटल होता है डबल डबल, तो इसके लोब से जो होते हैं ना x और y एक्सिस के क्या आते हैं? बीच में आते हैं। इसके लोब्स कहाँ आते हैं? x और y एक्सिस के बीच में आते हैं। यह हो गया डी एक्स वाई, हो गया। क्लियर है? अगर d बाई जेड बनाएंगे तो d बाई जेड के लोब्स कहाँ आएंगे जरा बताना? y और z के बीच में। बिल्कुल, y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में। अगर हमें d z x बनाना तो z और x के बीच में। देखो z और x के बीच में। अब हमारे पास आता है d x स्क्वायर y स्क्वायर। जो d x स्क्वायर y स्क्वायर होता है ना, यह x एक्सिस है और y एक्सिस है। जो d x स्क्वायर y स्क्वायर होता है उसके जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस पे होते हैं। कहां पे होते हैं? एक्सिस के ऊपर, एक्सिस पे होते हैं, एक्सिस पे होते हैं। और जो हमारे पास डी जेड स्क्वायर होता है ना, उसका भी लोब्स का कहां पे होता है? एक्सिस के ऊपर होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? बताना जरा, किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। यहाँ पे तनीसा, वैशाली, सुरिंदर? नो सर। समीर, उजिता? कोई डाउट नहीं ना? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद कर लेना कि डी ऑर्बिटल कितने होते हैं। पांच ऑर्बिटल होते हैं और पांचों का फोटो याद कर लेना। क्या याद कर लेना? पांचों का फोटो की दिखने में कैसे, ठीक है क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक बात और सुन लो आपको। ये तो हो गया, अब सिंपल सी बात बताओ, जो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है और डी जो जेड स्क्वायर है, क्या इसके लोब एक्सिस पर है? क्या एक्सिस के ऊपर? यस सर। भी क्या है? एक्सिस के ऊपर है। तो इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके लोग एक्सिस पर है। अब देखो, अब जो हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, क्या इनके लोग एक्सिस पर है? नो सर, नहीं है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल बोलते हैं। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। तो आप लोग को कल क्या पढ़ के आना है कि कितने लोब्स एक्सियल होते हैं, कितने लोब्स नॉन एक्सियल होते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आप लोगों को कुछ मैं अभी आगे और पढ़ाऊंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा बाकी सब चीजें। और इसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन आप लोग को मतलब अभी तो नहीं होगा। देखो इसमें हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड, स्प्लिटिंग एनर्जी, कई सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं। आप इन सबको क्वेश्चंस क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। ओके सर। अब देखो होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए क्या कर रहा हूँ आप लोग को मुझे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखो होमवर्क के लिए क्या क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको क्या कर लेना, देख लेना। एक बात सुनो, आपको तो सबसे मेन होमवर्क मैं यहाँ पे अब दे रहा हूँ कि आप लोग तो इसको याद कर लेना। एक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप लोग इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को क्या कर लेना, एक दो बार पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ लेना। इसी से पता चलेगा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है और वीक फील्ड लिगेंड कौन है। इसी से हमें पता चलेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है और वीक फील्ड लिगेंड कौन है। क्लियर है मेरी बात? यस सर, यस सर। ये पढ़ लेना आप लोग।
और देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह है। देखो पहली बात क्या है, क्लास नोट्स आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, जो डीपीपी दिया जाएगा वो करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है और जेई का प्रीवियस ईयर करना है। क्लियर है? यस सर। ये सब आपको करना है। देखो होमवर्क में आपको ये सब क्वेश्चंस करना है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, होमवर्क में क्या करना है, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। डन डन सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो कुछ रुक जाओ, एक दो मिनट रुक जाओ, क्रिएट में किसी को कुछ भी डाउट हो, पर्सनल डाउट हो, आप लोग बातें कर सकते हैं, बोल सकते हो। चलो ठीक है, मैं अभी ग्रुप में आप लोग के नोट सेंड कर दूंगा। ठीक है केमिकल काइनेटिक्स से मॉड्यूल सेंड करना। ठीक है, मैंने ना एक बात सुनी, मैंने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना बहुत सारे मटेरियल्स ऐड किए हैं। ठीक है, वो आप लोग सभी को चेक कर लेना, के डीपीपी वगैरह मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, वो खुल ही रहे हैं क्या? वो खुल ही रहे हैं, एक्सेस मांग रहा है क्या? सर वहाँ पे लिखा रहे कि could not, मतलब could not open this PDF. एक मिनट मैं चेक करता हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी, चाहे स्क्रीनशॉट लेके भेजना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सर, थैंक यू सर।